फिल्मी बातें विद अभिसार। जवान के प्रीव्यू में शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि जब मैं विलेन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता, और उसके ठीक बाद सर मुंडे शाहरुख खान हेमंत दा के उस गाने पर नाचने लगते हैं, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बताया ये जा रहा है कि शाहरुख खान ने यह ताना किसी और को नहीं सनी पाजी को दिया है, क्योंकि 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज हो रही है। अब आप कहेंगे कि सनी पाजी को यह ताना क्यों दिया गया है, क्योंकि याद कीजिए 1993 एक फिल्म आई थी डर, इसमें सनी देओल हीरो थे और शाहरुख का किरदार एक विलन जैसा था। फिल्म के अंत में सनी देओल शाहरुख की जम के पिटाई करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, मगर एक नेगेटिव किरदार होने के बावजूद लोगों ने अपने हाथों हाथ ले लिया था शाहरुख खान को। एक एक डायलॉग, एक एक जेस्चर, उल्टा इस फिल्म के बाद कई नकारात्मक चीजें भी हुई थी, मगर इस फिल्म का असर यह हुआ था कि सनी देओल ने कसम खा ली थी कि इसके बाद ना वो शाहरुख खान के साथ काम करेंगे ना यशराज के साथ, क्योंकि उनका यह मानना था कि यश चोपड़ा ने उनके साथ नाइंसाफी की थी। देखिए, नाइंसाफी की थी या नहीं की थी यह मैं नहीं जानता हूं, मगर इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था, सनी पाजी के साथ नाइंसाफी होनी थी, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद शाहरुख खान का किरदार जो है वो बहुत मजबूत था, और शाहरुख ने जब भी नेगेटिव किरदार किए हैं वो वाकई हीरोज पर भारी पड़ते हैं, यानी कि वो जब भी विलन बनते हैं हीरो उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, और उसकी ढेरों मिसालें। मिसाल नंबर एक, बाजीगर। क्या आप जानते हैं कि बाजीगर का रोल पहले गोविंदा को दिया गया था, सलमान खान को दिया गया था, मना कर दिया दोनों ने, और फिर यह किरदार आया शाहरुख के पास। मैं नहीं भूला हूं, यह फिल्म मैं कॉलेज में देख रहा था, और शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को छत के किनारे में बिल्कुल एज पर बिठा देते हैं और उसके बाद उन्हें धक्का दे देते हैं। मेरे होश उड़ गए थे दोस्तों, वो फिल्म खत्म हो गई, मगर मुझे समझ नहीं आया कि इस फिल्म को पसंद करूं या ना पसंद करूं। बाजीगर मुझे दूसरी बार देखनी पड़ी और उसके बाद ही बाजीगर ने मेरे जहन में एक मुकाम बनाया था। कहने को बाजीगर एक इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी, किस बिफोर डाइंग, मगर बावजूद इसके उसका जबरदस्त इंपैक्ट था, क्योंकि यह वो दौर था जब शाहरुख खान एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें वैसे कोई फिल्म नहीं देने वाला है, इसीलिए उन्हें वो फिल्में करनी पड़ेंगी जो कोई और नहीं कर रहा है। उसी तरह से डर, क्या आप जानते हैं डर का रोल पहले आमिर खान को दिया गया था, अजय देवगन को भी दिया गया था, दोनों ने मना कर दिया था, एक्सेप्ट किसने किया, शाहरुख खान। नतीजा आपके सामने है। अंजाम, अंजाम में शाहरुख खान का किरदार आउट एंड आउट नेगेटिव था, खलनायक का था, और मेरे हिसाब से जितनी भी शाहरुख खान की नेगेटिव फिल्में थी उसमें अंजाम सबसे कमजोर थी, क्योंकि वो फ्लॉप भी हुई थी। हालांकि आपको याद है हीरो की तरह वो सड़क पर गाना भी गा रहे थे, वो कौन सा गाना था, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, ये गाना था उसके अंदर, और शाहरुख खान इसे निभा रहे थे। यहां तक कि शाहरुख खान की और मेरी फेवरेट शाहरुख खान फिल्म कभी हां कभी ना, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक एंटी हीरो था, नेगेटिव किरदार था। क्यों? क्योंकि देखिए, अब तक हमारी तमाम फिल्मों में बताया गया है कि जब भी कोई हीरो एक हीरोइन का दिल जीतना चाहता है तो वो पॉजिटिव चीजें करता है, बहादुरी की चीजें करता है, मगर आप में से जिन लोगों ने कभी हां कभी ना देखी होगी, उस फिल्म के अंदर शाहरुख क्या कर रहे थे, वो एना का दिल जीतने के लिए एना के बारे में ही अश्लील अफवाह उड़ा रहे थे, रूमर्स उड़ा रहे थे। ऐसा कभी हुआ है क्या? या फिर जो एना का बॉयफ्रेंड था यानी क्रिस, उसके बारे में भी वो झूठ बोल रहे थे। शाहरुख खान इस पूरी फिल्म में ये करते हैं, मगर बावजूद इसके लोगों ने उन्हें पसंद किया। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो आप में से कई लोगों को नहीं पता होंगी, हालांकि तमाम शाहरुख खान फैंस को यह बात पता होगी, शाहरुख खान लवर बॉय भी नहीं बनना चाहते थे।
आदित्य चोपड़ा से वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आदित्य चोपड़ा उन्हें एक एक्शन फिल्म में लाएंगे, मगर आदित्य चोपड़ा क्या करते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि स्क्रिप्ट लेकर उनके सामने आ जाते हैं और शाहरुख खान सिर पीट लेते हैं कि भाई मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे लिए एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट ला और तू मुझे लव स्टोरी की फिल्म ले आया है। अच्छा हुआ शाहरुख ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी पहले सैफ अली खान के पास गई थी, फिर शाहरुख के पास आई, क्योंकि शाहरुख ने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। शाहरुख ने रिजेक्ट किया, सैफ के पास वो फिल्म आई, सैफ ने कहा मैं बिजी हूं, और फिर वापस शाहरुख के पास वो फिल्म आ गई। बरसों बाद आदित्य चोपड़ा ने कहा कि शाहरुख खान की ख्वाहिश थी कि मैं एक एक्शन फिल्म में काम करूं, और आदित्य चोपड़ा उनके पास लेकर पहुंच गए पठान, जो एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर थी। यानी कि शाहरुख की जो शिकायत थी आदित्य चोपड़ा से, उसे उन्होंने दूर कर दिया, और अब शाहरुख खान हर फिल्म जो कर रहे हैं अमूमन एक्शन फिल्म्स कर रहे हैं। ठीक है, साल के अंत में डंकी आ रही है जो एक सोशल ड्रामा है, एक ह्यूमैनिटेरियन ड्रामा है, क्योंकि जो भारतीय गैर वाजिब तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं, ये उनके बारे में कहानी है, क्योंकि उन लोगों के बारे में कहा जाता है वो डंकी होते हैं, DUNKI, और यही फिल्म की स्पेलिंग भी है डंकी, जैसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने PK, संजू, मुन्ना भाई सीरीज वाली फिल्म्स बनाई। अब वो शाहरुख खान के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं। वैसे एक और जानकारी, क्या आप जानते हैं मुन्ना भाई MBBS पहले शाहरुख करने वाले थे, शाहरुख तैयार भी हो गए थे, मगर फिर कुछ बात हुई जिसके चलते ये फिल्म संजय दत्त के पास चली गई। शाहरुख खान के पूरे करियर को देखें ना आप, ऐसे आपको ढेरों मिसाल दिखाई देंगी कि वो करना कुछ चाहते थे, फिल्म किसी और को गई, फिर उनके पास वापस आई, कई फिल्में जो उन्हें नहीं मिल रही थी वो डायरेक्टर के पास गए, गिड़गिड़ाने लगे कि भैया मुझे ये सीन दे दो, मुझे ये फिल्म दे दो। मसलन करण अर्जुन उनसे ले ली गई थी, क्योंकि पहले करण अर्जुन दी गई थी शाहरुख और अजय देवगन को, बाद में आमिर और सलमान को, और फिर वापस आई सलमान और शाहरुख को। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से नेगेटिव रोल निभाने में शाहरुख का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे जो पसंदीदा अभिनेता ऑल टाइम फेवरेट हैं अमिताभ बच्चन, मुझे दिलीप साहब भी बहुत पसंद हैं, क्योंकि दोनों जो सीरियस रोल्स निभाते हैं और कॉमेडी को जो टाइमिंग देते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह से मुझे कमल हासन पसंद है, शाहरुख भी मुझे पसंद है, मगर इन तीनों के बाद मगर एक फैक्टर जो शाहरुख खान को सभी पर भारी बनाता है, वो है जब शाहरुख खान नेगेटिव रोल्स पोर्ट्रे करते हैं, चाहे हल्के अंदाज में यानी कभी हां कभी ना, या फिर अंजाम में जहां वो एक खौफनाक विलन होते हैं, और अब जवान में वो एक बार फिर विलन बनकर आ रहे हैं, और उनका वादा है कि हीरो की सिट्टी पिट्टी गुम, और इशारा कहीं ना कहीं सनी पाजी की तरफ है, जिनकी गदर 2 आ रही है 11 अगस्त को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। फिल्मी बातें विद अभिसार।